आज रविवार के दिन माता घाटावाला माता जी के दर्शन करने के लिए आए थे और मंदिर का काम यहाँ पर बहुत ही चालू है, बहुत ही कलाकृति, बहुत ही सुंदर जो है काम यहाँ पे हो रहा है। और आज रविवार का दिन है और दो पत्रकार एक साथ, एक समाज सेवी पत्रकार, सोशल पत्रकार, दूसरा पत्रकार, रविवार का दिन एक दिन मातेश्वरी के नाम और दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और पीछे देखें कि भक्तों का लगा है सांता रविवार के दिन और सभी दर्शन करने के लिए दर्शनार्थी बड़ी संख्या में आते हैं। यहाँ पर प्रसादी कार्यक्रम भी आयोजित होते रहते हैं, जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है उनकी मन्नत जो है वो भी आज चढ़ावा जो है वो चढ़ाया जाता है। हमने भी सोचा क्यों ना हम भी माता रानी के दर्शन करें और उनके दर्शन का लाभ और आनंद करें। और मैं आपको बताऊं कि घाटे वाले माता जी जो है उदयपुर की देवारी में सुरंग, जहां पर ट्रेन गुजरती है सुरंग से जस्ट उसके ठीक ऊपर ये स्थान बसाया गया है। और प्राचीन ग्रंथों में हम देखें तो राजा महाराजा और पुराणिक तत्व सर्वेक्षण विभाग में भी ये माना है कि देवी देवता उस जमाने में थे और आज भी थे, कहीं कहीं आस्था जुड़ी हुई है। और नीचे सुरंग होना और ऊपर मंदिर होना ये दर्शाता है कि उस जमा भी धर्म का बड़ा प्रचार था। गोविंद जी, आप तो ये बात कह रहे हो, सही बात है, घटवाली माता जी का एक प्रचार भी है। क्या बात है ये, जैसे कि आपने देखा वो पुल में जो रेलवे जो सुरंग थी, सुरंग थी उसके अंदर ये देखा गया है कि जब नई सुरंग खोदने गई रोड मिडिल के रोड गेज में बना जैसे बड़ी लाइन डालने के लिए, उस टाइम क्या हुआ कि यहाँ पे इसी माता जी के सामने से निकाल रहे थे तो माता जी ने एक प्रचार दिया था, मेरे सामने से कैसे गुजरे हो आप? मेरे सामने कैसे आ रहे हो? माता जी ने यही प्रचार दिया, यहाँ पे भी प्रचार दिया है तो इन्होंने एक साइड में से निकाला भी, वो जैसी भी लगाई थी इन्होंने, तो यह सुरंग खोदने से पहले इन्होंने जैसी भी जितने भी वर्कर आए जो भी यहाँ से कुछ घटना भी हुई थी, क्योंकि इनके सामने से निकालना बहुत बुरी बात, माता जी के सामने कोई चीज नहीं आ सकती, इसलिए क्या है यहाँ का प्रचार फेमस है। तो काटे वाले माता रानी के दर्शन आज कर रहे हैं, बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पर आए हैं, कुछ न कुछ तो आस्था जुड़ी होती है, धर्म और आस्था है, इसीलिए लोग आते हैं, मन्नतें लोगों की जो है वो पूरी होती है और कहीं ना कहीं एक सकारात्मक दर्शन देखने को मिलता है, तब भी लोगों को समझ में आता है कि नहीं यहाँ चमत्कार है, यहाँ जाना चाहिए, आशीर्वाद होना चाहिए। हम कई स्थानों को देखते हैं और वहाँ कुछ न कुछ ऐतिहासिक जुड़ी हुई कुछ न कुछ बातें हमको मिलती है, जैसे यहाँ सुरंग होना और उस ज़माने में जब राजा महाराजा के ज़माने में ब्रिटिश काल में सुरंग को निकाली गई, खोदना भी एक चुनौती था उस ज़माने में, तो कहीं ना कहीं आस्था धर्म और लोग एक शक्ति मानकर उस काम को करते थे और सफल भी होते थे। गोविंद जी, एक चीज़ और बताइए, यहाँ जैसे कि अभी जैसे मंदिर का जो काम चल रहा है उसमें क्या पहले चौकी होती थी, कोई भी एक यहाँ पे कोई एक मन्नत मांगते थे तो क्या अभी चौकी नहीं हो रही? अभी क्या है कुछ ये मंदिर का जब तक काम नहीं होगा जब तक कुछ नहीं होगा, तो आशा है कि ये जल्दी काम पूरा हो और फिर से एक बार चौकी चालू हो, लोगों को इससे लाभ मिले, फ़ायदा मिले और भक्तों को बाबा जी का जो है आशीर्वाद मिलता रहे, धर्म आस्था का प्रचार होता रहे, सनातन धर्म का आगे से आगे बढ़े, यही आशा करते हैं। बहुत अच्छा लगा है आके, बहुत ही अच्छा स्थान है, पहाड़ों के बीच में ये पूरा पहाड़ अरावली पहाड़ी स्थान है और भाई लक्ष्मण के साथ बहुत ही खूबसूरत दृश्य हमने देखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत सभी को आज के रविवार की, सभी को जय माता जी की, जय माता जी।